ऐसा बोला गया है कि किंग ऑफ पटियाला से थोड़ी रेफरेंसेस लेके। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। विजय, आपसे जानना चाहूंगा कि पहले तो ये बताइए कि ये शो जो है वो एक टीवी सीरियल का शूट हो रहा है या पर यहाँ पर एक माइथो का शूट हो रहा है, बिकॉज़ लुक पूरा देखकर हार एंड एवरीथिंग देखकर ऑब्वियसली शादी है इसलिए थोड़ा ओवर द टॉप है, प्लस ऐसा बोला गया है कि किंग ऑफ पटियाला से थोड़ी रेफरेंसेस लेके, बिकॉज ब्रार फैमिली बहुत ही वेल टू डू है तो थोड़ा ओवर द टॉप हैं कॉस्ट्यूम्स, बट एज फार एज आई हैव सीन इट ऑन स्क्रीन इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड एज फार एज आई एम एबल टू कैरी इट ऑफ आई हैव नो प्रॉब्लम इन वेयरिंग इट। ओके, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं पर्सनली? आई एम श्योर इससे पहले कोई भी आपके शोज में आपने इतना ओवर द टॉप नहीं रह सकते। देखिए, शादी में तो थोड़ा ओवर द टॉप होता ही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन ओनली प्रॉब्लम जो है वो आउटडोर में हम लोग धूप में शूट कर रहे हैं, वही एक इशू है कि गर्मी बहुत लगती है। बाकी आई एम वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्टिंग, चीज़ें नहीं पसंद आती लेकिन आई एम रियली एंजॉयिंग डूइंग दीस सीन्स। जूते के साथ अपना एक्सपीरियंस बताइए, वो मतलब जैसे कि आपने कहा धूप में शूट करना पड़ रहा है, एलर्जी या कुछ इचिंग या ये सारी चीज़ें कुछ फेस कर रहे हैं? नहीं, एलर्जीज वगैरह थैंकफुली नहीं है, लेकिन हाँ बिकॉज पगड़ी है, इतने सारे कपड़े हैं तो इट बिकम्स अ लिटिल स्वेटी एंड ऑल दैट, बट जब तक आपके अंदर पैशन है काम करने का, आपको अगर स्टोरी अच्छी लग रही है, आपको सीन करने में मज़ा आ रहा है ना, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। ओके, लास्टली विजय, वुमेंस डे आ रहा है, वुमेंस डे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? साथ ही आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वुमन आपकी कौन है एंड हाउ डू यू थिंक, क्योंकि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ टेलीविजन, हाउ डू यू थिंक हैव वुमन इवॉल्वड ओवर द इयर्स इन टेलीविजन? हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन, जो भी हमारी व्यूअर्स हैं विमेन या फिर फैंस हैं, सबको मेरी तरफ से। अगर आप एक वुमन की बात करें तो सबसे पहली वुमन तो मेरी माँ हैं, जिनको मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है मेरी लाइफ में, मेरी सोच में, सो आई लव हर। एंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, जितने भी साल से मैं शोज़ भी कर रहा हूँ, तो हम तो शोज़ भी कर रहे हैं विमेन के लिए, टेलीविज़न इज़ अ विमेंस मीडियम, तो आई थिंक ऑडियंसेस भी और स्क्रिप्ट्स भी शोज़ भी सब इवॉल्व हुए हैं, रिग्रेसिव थाट से अभी काफ़ी प्रोग्रेसिव थाट की तरफ मैंने ट्रांजेक्शन खुद देखा है, सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग।